towards the next. मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 12 फ्रॉम एक्सरसाइज बेटा 2.1. तो क्वेश्चन है x by 3 plus 1 equal to 7 by 15. फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके आना, ट्रांसपोज करना. देन x by 3 is equal to 7 by 15 minus 1. टेक एलसीएम 15, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1. तो 15 1 7 minus 15, वेरी गुड. x by 3 equal to, अब x by 3 equal to minus 8 by 15. अब बेटा मेरे पास वो है, क्या करोगे 3 को उधर ट्रांसपोज कर दोगे, तो x is equal to minus 8 into 3 by 15. और ये कैंसिल किया, आंसर इज माइनस 8 बाय 5. हाँ जी बेटा, तो x की वैल्यू जो है ये मेरे पास. ओके कशिश, क्लियर. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा होमवर्क दिया था मैंने, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं जरूर समझाऊंगी, चाहे आपको करनी है तो बहुत अच्छी बात है, बट वी हैव टू डिस्कस इट ताकि जिन्होंने नहीं किए दे कैन डू इट. ओके, हाँ जी. फर्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, यस करण बेटा, व्हाट यू वांट टू से. हाँ जी करण. मैम आपने मैम एग्जांपल दी थी मैम, वो फिफ्थ वाली मैम समझ नहीं लगी. ओके, वो भी करवा देती हूँ. फर्स्टली लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन. करण वो भी करवा देती हूँ. ओके चलिए बेटा. हाँ जी, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सबसे पहले आइसोसेलेस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है. हाँ जी, टू साइड्स इक्वल, वेरी गुड. मेरे पास वो है, उसने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और टू साइड्स इक्वल है, तो मैंने लाइन लगा दी, दैट मींस दीस आर इक्वल. ओके, और यहाँ पर जो है बेस दिया हुआ है 4 by 3 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया. अब उसने क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. हाँ जी रिवर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है मैडम. आर यू रिवर, सम ऑफ ऑल साइड. अगर यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है, देन हाउ कैन यू राइट द पेरीमीटर. A plus B नहीं ना लिखेंगे, जो साइड होती है ना वो हमेशा देखो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ एंड हुई ना, तो किससे स्टार्ट होगी. A B ये एक साइड है, साइड को डबल अल्फाबेट से लिखते हैं. साइड को किससे लिखते हैं, डबल अल्फाबेट से. तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, A B plus B C plus C है या A C, कुछ भी. अब ये पेरीमीटर दिया हुआ है 4 by 3, मुझे ये पता ये दोनों साइड्स इक्वल है, सेम है, दिया ना. मेरे को नहीं पता ये कितनी है, मैंने अभी छोड़ दिया, सिर्फ मुझे साइड क्या दिया, बी सी. बी की सी सी की जगह मैंने 4 by 3. अब प्रॉब्लम ये है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा ना. हम क्या करेंगे, लेट जो है इक्वल साइड्स इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. ओके बेटा, पेरीमीटर कितना दिया हुआ था, बदल लिख दिया मैंने, दैट इज 4 by 250. ओके, अब यानी यहाँ पर भी एक्स लिख दी, यहाँ पर भी एक्स लिख दी. अभी अपने आप क्या बन गया, हमारा सॉल्व द इक्वेशन बना कि नहीं. क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले क्या कर देंगे, कंबाइन कर दें, क्या बनेगा, वेरी गुड. x square तो नहीं बन जाएगा, x square कब बनता है, जब x into x हो. तो यहाँ पर x plus x मेरे पास 2x plus 4 by 3. अब इसको भी सॉल्व कर दें, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 62 by 15. कैसे होगा, 15
16 4 का 16 60 प्लस 2 ठीक है तो ये मेरे पास आ गया। अब ये अगेन कांस्टेंट है, इसको कहां लेके जाएं? दूसरी साइड पे। तो 62 / 15 माइनस 4 / 3 2x। अब मेरे पास हो गया अगेन टेक एलसीएम, मेरे पास हो गए मैंने एक एलसीएम का एलसीएम इज 15 तो 62 माइनस देखो 3 और 15 को काटा तो 5 5 4 20 तो मेरे पास हो गए अदर साइड पे 2x आ गया, कितना आया 42 / 15 2x। अब ये x के साथ फिर क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, इसको दूसरी तरफ क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें। तो मेरे पास x क्या आ गया 42 / 15 / 2 साथ में आएगा, इसको कटिंग करो 21 आफ्टर देन 3 7 5 x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ये जरूर लिखना है और देखिए therefore equal size मेरे पास होने that is 7/5 centimeter। सबको बात क्लियर हो गई? क्लियर टू एवरीवन? आपने ये चीज को इधर देखी है उसको डसन में ठीक है बेटा सबको बात मैंने नोट कर देना है काम का सारा नहीं ये काम का दिल नहीं करता है और किसी का जिसका दिल नहीं करता लिखने को आप मुझे कॉपी दे दिया करो मैं कर दूंगी काम मैम इज ऑलवेज फॉर यू सही में कहते हम तो पढ़ लिया अब आपके लिए दोबारा पढ़ लेंगे एक बार एक पेपर भी मैं ही दे दूंगी ठीक है इधर चले बेटा आगे सबको क्लियर चलो मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है आगे लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ द टू नंबर्स अब मुझे नहीं पता नंबर कौन से आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग मेरे को जैसे जैसे कहते हैं ना मैं पहले उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करती हूं मुझे पता ही नहीं है नंबर क्या है मैंने क्या लिखा देखो डैश डाल दी सम ऑफ द टू नंबर इज आया तो क्या आता है इक्वल That is equals to 95. पहली लाइन को मैंने इंटरप्रेट कर दी अब आगे उसने क्या कहा If one exceeds the other by 15, है ना? उसने कहा वन नंबर एक्सीड बड़ा है किससे अदर नंबर से कितना 15. मैंने उसको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब उसने कहा है Find the numbers. अब देखो मेरे पास एक ये कंडीशन है एक ये कंडीशन मान लीजिए मैंने दो नंबर्स को ले लिया एक x ले लिया एक y ले लिया मैंने लिख लिया let two numbers be x comma y okay अब यहाँ x y आ गया ये मेरी एक कंडीशन है दूसरा यहाँ वन नंबर जो पहला है वो वन ही होगा उसको क्या लिया x is equal to other y plus 15 अब x की वैल्यू आपको पता चल गई y plus 15 मैं यहाँ x पुट कर दूँ चाहे आप पुट कर दो या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो एक ही बात है आपने x निकाला क्या आया 95 minus ये दोनों x है ना एक तरफ से कह रही हूँ ये मेरा राइट हैंड है एक तरफ से कह रही हूँ ये मेरा राइट हैंड है दोनों तो सेम ही होने चाहिए यदि मैं क्या करूंगी इक्वेट करूंगी तो फ्रॉम लेट इट बी सेकंड लेट इट बी थर्ड तो मेरे पास फ्रॉम 2 एंड 3 95 माइनस y इज इक्वल टू y प्लस 15 अब बन गया एक वेरिएबल में अल्टीमेट काम क्या है एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना लास्ट स्टूडेंट पे अटेंशन हियर अल्टीमेट एम क्या है एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना कोई बच्चा एक्स में चेंज कर दे कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेना तो मेरे पास जो है वाई वाली टर्म एक तरफ कर दे इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं इसको इधर 95 - 15
इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव मेरे पास, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लेट अस सी, हाँ जी यू गेट 80 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 2 बाय और 80 बाय 2 इज इक्वल टू y दैट इज 40 देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 हमें तो दोनों नंबर निकालने, अदर नंबर कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे ना x, देयरफॉर x इक्वल टू 95 माइनस 5 95 माइनस 40 आंसर इज 55 देयरफॉर टू नंबर्स आर 40 एंड 55 अच्छा किसी बच्चे का ऐसे हो सकता है पहले 55 निकल गया अगली बार में doesn't matter अल्टीमेट आंसर तो दो ही है ना 40 एंड 55 अच्छा कोई बच्चा ना ये पूरा ना करता ये भी पॉसिबल है उसको पता है दो नंबर का सम 95 है वो स्टार्टिंग में ही कैसे ले लेता लेट द टू नंबर्स बी एक एक्स दूसरा 95 माइनस एक्स हाँ जी वो भी कर सकते वो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड है ना जैसे मर्जी कर लो बेटा जैसे मैं आपको बता रही कोई रूल फिक्स नहीं है अल्टीमेटली एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है आप जैसे मर्जी करो मेरी बात समझ आ गई सबको कितने मेथड हमने कर लिए है ना एक सिंपल मैंने आपको ऐसे कराया कि पहले आप उसको कन्वर्ट करो फिर देखो एक अभी आपने बोला एक नंबर को एक्स ले ले दूसरे को एक्स प्लस 15 ले लो कोई बात नहीं फिर सम कर लो दोनों का अल्टीमेट आंसर वही आने तो हमने कैलकुलेट कर जिस मर्जी मेथड से कर समझ आ गई बेटा चले होगी क्योंकि मैं इंटरप्रेट पता है कैसे करती हूँ एक एक लाइन को पढ़ती मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ती पूरी स्टेटमेंट से कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो मैंने पहले ही जब टू नंबर देखे थे मैंने डैश ले ली एक तो मेरे दिमाग में तो वो चीज आई नहीं जो आपके दिमाग में क्लियर इट इज टोटली पर्सन टू पर्सन हाउ डू यू थिंक हाउ आई थिंक ओके क्लियर कोई डाउट यहाँ पर किसी को चले आगे चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास हो गए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 रीड द क्वेश्चन ट्वाइस read the question twice in your mind so that you can understand the concept haan ji two numbers are in the ratio ratio word underline kijiye yaad rakh lijiye jab bhi ratio ka concept aaye na jo ratio di hai uske sath kya likh dena hai x kyun likhte hai ye pata aapko have you ever asked any teacher ki ma'am x se kyun likhwa dete ho ना मैम का नाम क्यों नहीं आया आपका नाम क्यों नहीं है किसी का भी आ सकता है सिर्फ एक्स की मैं आपको बताती हूँ रेशियो क्या होता है वनिका पे अटेंशन यार वनिका ऑनलाइन बेटा देखो मेरे पास कोई दो नंबर थे जब मैंने उनकी रेशियो ली है ना मतलब रेशियो मतलब डिवाइड करना तो उसमें कुछ कटिंग होता है ना फैक्टर वो फैक्टर क्या होता है सेम होता है वो फैक्टर सेम अगर टू के टेबल में काट रहे हो तो टू से ऊपर डिवाइड किया टू से नीचे वो जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो एक्स होता है आप टी लिख लो आप वाई लिख लो डजंट मैटर मेरे पास 100 रुपीज है आपके पास 150 मेरे से ज्यादा है अब मैंने कहा कि हम दोनों के मनी की रेशियो निकालो आप क्या कर रहे हो आपको नजर आ रहा है पहले 10 पे डिवाइड हो रहा है आप सीधा 10 पे डिवाइड कर रहे हो तो आपने लिए 0 0 पहला एक्स फैक्टर 10 हो गया आया ना दोनों में फिर 5 पे काटा यानी टोटल 50 पे काटा तो आप सीधा ही इसको अगर 50 पे डिवाइड करते तो आपको रेशियो दी गई है मेरे पास यहाँ पर 2/3 आप ये दिया है हमें तो एक्चुअल चाहिए ना इसी को यहाँ से इधर जाने के लिए मैं इसको क्या लिखती हूँ 2x एंड 3x राइट लाइक एग्जैक्ट नंबर देते हैं क्योंकि दोनों में एक सेम फैक्टर कटिंग होता है अब पता चलना आप टी लगा दो वाई लगा दो यू लगा दो कुछ भी लिख दो चलेगा लेकिन कॉमन फैक्टर दोनों में सेम होना चाहिए अब क्लियर हुआ क्यों हमारे पास लगा ठीक है चलो तो अब मेरे पास यहाँ पर मैंने आपको वर्ड कहा कि जब भी रेशियो आए तो पहला काम करना है कि उसके साथ क्या लगा देना है एक्स लगा देना अब उसने मुझे कहा था टू नंबर्स आर इन द रेशियो तो आप कहोगे लेट
द नंबर्स बी 5x 3x आपको इतने लिखने के हाफ नंबर मिलता ना एक्स लिखने के जबकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है है ना तो अब उसने क्या कहा इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स अब डिफर अंडरलाइन करो जो वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है ना वो अंडरलाइन कराते हैं अंडरलाइन द वर्ड डिफर बेटा याद रखना डिफर का मतलब है डिफरेंस अब डिफरेंस हमेशा लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करके है ना यहाँ पर लिखा है कि दे डिफर बाय जो है 18 तो अगर डिफरेंस मुझे 18 दिया है आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा जिसका क्योंकि एक्स तो सेम ही है जिसके आगे बड़ा कोफिशिएंट लगा है वो बड़ा होगा जिसके आगे छोटा लगा है वो छोटा होगा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 5x minus 3x that is equal to 18 कभी भी डिफरेंस लिखा है आप स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर मान लो यहाँ तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी लेकिन अगर आपको रेशियो दी होती ना 3:5 तो 95% बच्चे पेपर में क्या लिख के जाते हैं 3x minus 5x equal to 18 ओके बेटा क्लियर ये बात समझ आ गई सबको अब सॉल्व कीजिए x की वैल्यू निकालिए चलो फटाफट x की वैल्यू निकालिए आपने x की वैल्यू निकाली सर है ना हमने क्या निकालना है नंबर और ये भी 95% गलती करते हैं वहां नंबर पूछा है हम नंबर नहीं निकालते x निकल गया हमारा काम है ना उसके बाद आपने ये पहले निकाला मेरे पास x की वैल्यू 9 आई तो अब मेरे पास देयर को नंबर पे वो 5x दैट इज 5 × 9 = 45 और जो है नंबर्स आ सीधे लिख दो एंड दूसरा जो है 3x दैट इज 3 × 9 = 27 आप चेक कर सकते हो इनका आप जरा डिफरेंस चेक करो कितना है 18 इन सारे क्वेश्चन में सेल्फ चेकिंग जो है अपने आप ही हो जाता है सबको बात समझ आ गई बेटा कोई डाउट तो नहीं अब जो कल डर लग रहा था जिन 3 क्वेश्चन में अब क्लियर हो गया कितनी नई चीजें सीखी डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटा मैथ्स में जो तुम स्टेटमेंट पढ़ते हो ना बेटा हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को चेक करो कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अरे मैं ना 100% श्योरिटी दे सकती हूँ आपने मल्टीप्लाई कब सीखा था बताओ मुझे सेकंड से आपको जब किसी टीचर ने ना ये मल्टीप्लाई 2-डिजिट नंबर से करवाया क्या क्रॉस क्यों करते आपने कभी सोचा नहीं सोचते मैथ्स में सोचने वाले की कमी है इसीलिए जो है बहुत सारे बच्चे मैथ्स लाइन में नहीं जाते मैथ्स में जब तुम ये चीज सोचो ना आज का टीचर मैम ऐसा क्यों टीचर भी सोचेगा ना हमने कभी सोचा ही नहीं मैंने भी कभी नहीं सोचा था मुझे भी कल किसी ने क्वेश्चन को किया है ना यार सच्ची में ये तो बात है फिर मेरे दिमाग में अपने आप ही मैंने आंसर ढूंढा अभी तक मैंने नेट पे सर्च नहीं किया करूंगी जरूर क्यों क्रॉस लगाते हैं क्योंकि ये 7 months प्लेस पे था 1 से किया सीधा हो गया अब जब 10th प्लेस में आना तो फर्स्ट प्लेस में कुछ बनना ही चाहिए अगला ये 10th वाला अगर 3-डिजिट होता हम क्या करते अगले में भूल जाते हैं क्योंकि 1 और 10 क्या करना है हमने छोड़ना है अंदर तो ऐसे जब आप आंसर अपने खुद जो है करोगे तो मेरे पास जो है अपने आप आपको पता चलेगा कि मैथ्स में कितना रिसर्च वर्क है जब हम सोचते ही नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को सोचो ओके क्लियर बात समझ आई हर चीज को पूछो हम कहते हैं बेटा ऐसे कर लो अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ बेटा इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड कर दो क्यों कभी नहीं किसी ने पूछा मैं नेवर है बेटा इधर प्लस होता है उधर माइनस कर दो मैं हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं 7th में भी किया क्यों करते हैं बताओ मुझे सोचा ही नहीं हमने उसका रीजन पता क्या है ये हमें इतना तो लोअर क्लासेस से सोचा हुआ है
कि जो नंबर अगर मैं इधर कोई चीज डिवाइड कर रही हूँ तो मैं इधर भी डिवाइड कर दू तो मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर यहाँ टू है मैं दोनों साइड टू से डिवाइड कर दू क्योंकि मल्टीप्लाई है, मैं अगर डिवाइड कर दू ये यहाँ तो करते ही जाना अल्टीमेटली वो कैसे में आ जाना डिवाइड में ही आना है ना। अगर प्लस है मान लो कोई चीज मेरे पास हो गए ऐसे है 2x जो है प्लस 5 इक्वल टू 7 मेरे को यहाँ खत्म करना है, खत्म करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करो। आगे वो बात आपको पता ही नहीं चलता हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली दोनों साइड पे क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2, इसीलिए मैंने 1/2 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द रीजन वो अपने आप जब एक नंबर का उस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये क्या बन जाएगा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 की है एडिटिव इनवर्स जब हम करेंगे 2x + 5 - 5 7 माइनस फाइव, माइनस फाइव दोनों तरफ क्या किया मैंने ऐड किया ना, तो यहाँ पर क्या बन गया एक नंबर उसका एडिटिव इनवर्स क्या बन गया एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होती है जीरो। तो अपने आप ये 2x + 0 और इधर क्या बन गया 2, तो वो 2x से बन गया, ये चीज बनी बेटा। अल्टीमेटली ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, ये दिमाग में नहीं लेके आते मैडम पढ़ा रहे हैं, मैडम बिल्कुल सही है हम वही सीखेंगे, हम भी इतने सालों से वही सीखा, अब वो टाइम नहीं है। मेक योर न्यू इन्वेंशंस, हर चीज पे इन्वेंशन ढूंढो, अपनी डायरी में लिखो ताकि आप इन्वेंशंस की बुक लिख सकते, ट्राई टू डू दिस। तो एक तरह का आपका पेपर रिसर्च वर्क में जो हम पेपर करते हैं ना वो अभी से आपके छोटे छोटे ट्रिक्स बन सकते हैं। फालतू फालतू चीजें देखते हो नेट पे वो देखा करो, ट्रिक्स रिलेटेड विद मैथ्स देखो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है आगे पहुंचने, समझ आ गए चले आगे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है देखिए, अब आप मुझे बताओ रीड द क्वेश्चन, आर यू ऑल ऑफ यू रीड योरसेल्फ द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। I am also reading the question. Three consecutive integers. Consecutive words को underline कीजिए. Three consecutive integers जो है add up to 51. What are these? पहले तो दिमाग में consecutive word clear होना चाहिए. हाँ जी, consecutive मतलब इकट्ठे सात सात वाले, ठीक है। मैं जब कहती हूँ फर्स्ट थ्री कंजेक्टिव रोल नंबर ज्यादा तो इसका मतलब क्या होता है 1 2 3, तो हर रोल नंबर में कितने का डिफरेंस है 1 1 मार्क। जब मैंने कहा कोई तीन कंजेक्टिव आ गए फिर क्या करें, मैंने अभी नहीं कहा फर्स्ट थ्री कंजेक्टिव, आपने फर्स्ट थ्री कहा तो आपको पता है 1 2 3, जब मैं कहूं कोई भी कंसेक्टिव थ्री नंबर आ गए अब बिल्कुल एक्स अभी तो हमने लिया ही नहीं बेचारे ने पहले लिया है ना। आपने कहा मैम 2 3 4 ले लो, अंशिका कहेगी मैडम 5 6 7 लेने, वो कहेगा प्रभनूर मैम 7 8 9, ये तो लड़ाई होगी हमारे साथ, पता ही नहीं ना हमें ये तो सारी वो, मैं किसकी बात मानू मेरे लिए तो सब बराबर। तो मैंने एक जनरल नंबर ले लिया स्टार्टिंग में, उसको क्या मान लिया एक्स, मतलब एक फिक्स कर दिया पहला नंबर। तो अब हम लेंगे लेट थ्री कंसेक्टिव नंबर्स आर दैट इज या इक्वल टू, पहला एक्स लिया अगला क्या हो जाएगा वन ऐड करना ना, क्योंकि मैंने बोला कंसेक्टिव में हमेशा वन वन का डिफरेंस होता है। तो अगला क्या हो गया एक्स प्लस वन, उससे अगला टू में वन ऐड किया, अगर 1 में ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा 2, 3 बनाने के लिए तो x पहला था तो या इसमें और ऐड करो 1 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 2, तो अगला क्या बन गया x प्लस 2। बात समझ आई सबको, कंजक्टिव मतलब साथ साथ,
और कैसे नंबर, अगर मैं कहती टू कंसेक्टिव नंबर तो एक्स एक्स प्लस वन, अगर मैं एक्स प्लस वन, अगर मैं कहती फोर कंसेक्टिव नंबर, जसलीन प्लीज प्लीज जसलीन, फोर कंसेक्टिव नंबर, मास्क नीचे को बोलो, देख लो जसलीन मैम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे तू फिर काम गलत है और मैम फिर डांटेंगे ऐसे, तो मैं कह रही हूँ नहीं समझ आया ना, यू जस्ट रेज योर हैंड, मैडम दोबारा समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगी तो बेटा बात कर दो, अगर आप बताओ जो मैं पूछूं और आपने बताया नहीं तो दैट मीन समथिंग इज लैकिंग बिहाइंड। हाँ जी बेटा वेरी गुड, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको फिनिश करें आप, तो मेरे पास हो गए 42 क्वेश्चन, मेरे पास सबका ऐड करना है तो क्या बनेगा 51। ओके साथिका बताइए आगे इसको सॉल्व कैसे करना बेटा, जल्दी सॉल्व साथिका, आई एम आस्किंग अबाउट सॉल्विंग, आपके पास एक इक्वेशन है, क्या करते हो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? We will combine the like terms, है ना? तो like terms combine करने के लिए मेरे पास कितने x हैं? आपको सीधा x और ये x क्या बना दूँ? 3x constant 3। तो ये आया, confused मत हुआ करो कि मैम क्या मैम ने पूछ लिया, है ना? Very good, 51 minus 3 कितना बड़ा? 48। अब x कितना आया? 16। तो x आया ना जो हमने लेट किया, अब क्या करेंगे? ऑल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ऑल नंबर्स के लिए देयरफॉर मेरे पास जो है नंबर्स क्या आ गए, x वो निकला था 16, अगला x प्लस 1 16 प्लस 1 17, x प्लस 2 16 प्लस 2 18। देखो तीनों आंसर कंसेक्यूटिव आए ना। हां जी मनिका बेटा, हां जी बेटा मैम आंसर देने के लिए किया था। अब बात समझ आई सबको, किसी को कोई बात नहीं क्लियर आई तो यू कैन आस्क जसलीन, अब पता चला बेटा पक्का सबको, कोई डाउट तो नहीं? अब ये क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, यहाँ पर था कंजेक्टिव थ्री नंबर्स, अगर मैं वर्ड दे दूं कंजेक्टिव थ्री इवन नंबर्स, कंजेक्टिव थ्री इवन नंबर्स। अच्छा अगर मैंने आपसे ये पूछा फर्स्ट थ्री इवन नंबर्स बताओ, दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है? फर्स्ट थ्री इवन नंबर्स, हाँ जी बेटा आपकी तरफ प्रॉब्लम है ना, हर दो 2 4 6 बिल्कुल वो तो सबको पता है, लेकिन अगर मैंने पूछा थ्री कंसेक्टिव इवन नंबर्स, हाँ जी बेटा वेरी गुड, x x plus 2 x plus 4, क्योंकि इवन नंबर में 2 2 का, अगर मैं ऑड नंबर कहती सेम ही रहना, सिर्फ डिफरेंस किसका हो गया 2 2 का चेंज हो गया। ये बात सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे, तो ये क्वेश्चन भी मैं इसको ऐसे भी चेंज कर सकती थी कि सम ऑफ मेरे पास 3 कंसेक्टिव इवन नंबर, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग x x plus 1 x plus 2 आप क्या लेते x x plus 2 x plus 4, समझ आ गई? अभी इतनी चेंजेस पेपर में आनी जरूरी है, अगर हमने 9th में डाले 8th में रहना है तो हमको ही चेंज नहीं करना रहना ना 9th में, तो इसीलिए ये एक्सेप्ट करनी है तुम्हें। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, ठीक है? अब और इंटरेस्टिंग आ गया, अभी मैंने इवन नंबर की बात की, अगला क्वेश्चन जो आ गया रीड दैट क्वेश्चन एंड टेल मी, तो बताएगा ना, बहुत बढ़िया बच्चा, उसका दिमाग बहुत तेज हो गया था, पहले ही दिमाग तेज कर दिया सबने। क्वेश्चन नंबर 7, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 जो है 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 और इनका सम भी वो मुझे दिया हुआ है ए ए ए,
फाइंड द मैन, अब जिसका हाथ नहीं उठा मैं उससे पूछूंगी। हाँ जी, इससे पूछ, मेरे को ये बता बेटा, अगर मैं पूछूं फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल मतलब 8 का टेबल बोल ना, 8 भी तो होता है, 8, 16, 24। आपने क्या किया, पहला लिखा 8, उसमें 8 प्लस किया, 16 आ गया, फिर 16 में 8 प्लस किया, 24, पहले मल्टीपल आए। मैंने आपको पहले नहीं पूछे, मैंने आपसे क्या पूछा, मल्टीपल है ना, तो पहला नंबर मैंने आपको कहा था कैसे स्टार्ट करेंगे, x plus 8, x plus 16, बस। अब इनका क्या लेना था, सम, यानी कॉमा की जगह क्या कर दूं, सम, और ये किसके इक्वल है, बात समझ आई, नो, 8x का मतलब है जो आप नंबर ही ले रही हो ना पहला, वो अगला कैसे लिखोगे, 8x फिर अगला क्या, 8x plus 1, अच्छा मैंने x ले लिया 1, आपका पहला नंबर हो गया 8, अगला नंबर 8 plus 1, 9, वो तो 8 का मल्टीपल है ही, हाँ आप ऐसे लिख सकते थे, 8x plus 16, वो ले सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, बात समझ आई सबको, कंप्लीट दिस, ट्राई टू डू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, ट्राई टू डू, आई विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और तक चलता है, मेरा कहीं और तक चलता है, तो डिस्कस जरूर करेंगे, बट ट्राई टू रीड इट, नहीं समझ आया नेक्स्ट से यूट्यूब चैनल देखो, समझो फिर मुझे समझाना आप क्या समझते हो, ओके।